तो ईंट का साइज और प्राइस जानने के लिए हम इसके मैन्युफैक्चरिंग साइट पर आ चुके हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पेवर ब्लॉक का साइज क्या होता है और इस ब्लॉक का प्राइस क्या होता है और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। आप प्रेजेंट टाइम में कुछ इस तरीके की ईंटों का उपयोग अपने आसपास होते हुए जरूर से जरूर देखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है, एक ईंट कितने रुपए की मिलती है और इसके साथ साथ इस ईंट का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए इस ईंट के बारे में जानने के लिए हम इसके मैन्युफैक्चरिंग साइट पर चलते हैं। तो ईंट का साइज और प्राइस जानने के लिए हम इसके मैन्युफैक्चरिंग साइट पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसके नेम की बात करें तो इसको हम पेवर ब्लॉक बोलते हैं। आप फिर से सुन लीजिए कि इसको हम पेवर ब्लॉक बोलते हैं। और यदि हम इस पेवर ब्लॉक के कलर की बात करें तो इसका नेचुरल कलर ग्रे होता है, बट इसको आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर में बनवा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कलर का पेवर ब्लॉक आपको मिल जाएगा। सेकंड आप देख सकते हैं कि येलो यानी कि पीले कलर का पेवर ब्लॉक मिल जाएगा। और यदि हम ग्रे कलर की बात करें तो यह नेचुरल कलर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि नॉर्मल पेवर ब्लॉक और कलरफुल पेवर ब्लॉक का जो साइज होता है वो एक ही होता है या फिर अलग अलग होता है। तो कलरफुल पेवर ब्लॉक का जो प्राइस होता है वो नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर येलो यानी कि पीला और रेड कलर का पेवर ब्लॉक रखा हुआ है, तो इन दोनों का प्राइस जो है वो नॉर्मल पेवर ब्लॉक से थोड़ा ज़्यादा है। प्राइस क्या है वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे, बट इससे पहले चलिए देख लेते हैं कि इस पेवर ब्लॉक का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो यदि हम इस पेवर ब्लॉक के यूज़ की बात करें तो नॉर्मल किसी भी ओपन एरिया में यदि आप फ्लोरिंग करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे गांव की छोटी सड़क हो गई, पेट्रोल पंप की फ्लोरिंग हो गई और इसके साथ साथ ऑफिस के बाहर की फ्लोरिंग, घर के बाहर की फ्लोरिंग और घर का जो रास्ता है उस पर भी आप पेवर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम पेवर ब्लॉक के मजबूती की बात करें तो यह इतना मजबूत होता है कि चाहे दो पहिया, तीन पहिया या फिर इस पर से आप ट्रक लेके निकल जाओ, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यह सही सलामत रहेगा यानी कि टूटेगा नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कि पेवर ब्लॉक का साइज क्या होता है, यानी कि इसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है और मोटाई क्या होती है। तो यदि हम इसके साइज की बात करें तो चलिए माप कर देखते हैं कि इसका साइज क्या है। सबसे पहले इसकी हम लंबाई मापेंगे, उसके बाद चौड़ाई मापेंगे, फिर इसकी मोटाई मापेंगे। तो चलिए लंबाई माप लेते हैं। तो लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 24 सेंटीमीटर है। अब चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की देखते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी आप देख सकते हैं कि 24 सेंटीमीटर है। यह ईंट आपको लंबाई में आप देख सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग दिख रही है, बट इसको आप लंबाई की डायरेक्शन में यदि यहाँ से मापेंगे 24 सेंटीमीटर और यदि यहाँ से मापेंगे तो भी 24 सेंटीमीटर आपको लंबाई मिलेगी। लंबाई के बाद यदि हम चौड़ाई की बात करें यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की बात करें तो चलिए हम माप के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लमसम 12 सेंटीमीटर है और यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लमसम 12 सेंटीमीटर, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लमसम 12 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 12 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो यह ईंट आपको चौड़ाई की डायरेक्शन में भी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, बट ईंट चाहे आप यहाँ से मापें तो भी आपको 12 सेंटीमीटर, यहाँ से मापेंगे तो भी 12 सेंटीमीटर और यहाँ से मापेंगे तो भी 12 सेंटीमीटर। तो ईंट की जो चौड़ाई है वो भी एक समान है। तो ईंट की चौड़ाई के बाद चलिए हम ईंट की मोटाई माप लेते हैं। यदि हम ईंट के मोटाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर है। कहीं से भी आप मापेंगे तो 8 सेंटीमीटर आपको ईंट की मोटाई मिल जाएगी। तो ईंट का साइज हमने आपको माप कर एक्चुअल दिखा दिया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ईंट का प्राइस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ईंट रंगीन है यानी कि कलरफुल है और दूसरी नॉर्मल है। यदि हम नॉर्मल ईंट के प्राइस की बात करें तो यह ईंट आपको 16 यानी कि 16 रुपए की एक ईंट मिल जाएगी और यदि हम कलरफुल ईंट की बात करें तो यह ईंट आपको 18 यानी कि 18 रुपए की एक पीस मिल जाएगी। तो नॉर्मल ईंट के मुकाबले कलरफुल ईंट का जो प्राइस है वो 2 से 3 रुपए ज़्यादा होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपके एरिया में पेवर ब्लॉक का रेट क्या चल रहा है। तो पेवर ब्लॉक से रिलेटेड हमने आपको प्रैक्टिकली फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए
और यदि आप देखना चाहते हैं कि रेड ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक और AAC ब्लॉक का क्या प्राइस होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।